कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज में तैनात चिकित्सकों, स्टाफ कर्मचारियों और 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों को पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा सम्मान व प्रशंसा पत्र दिया गया। हमीरपुर NIT परिसर में कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों की देखरेख कर रहे कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र और पुष्प देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिला अध्यक्ष सैनिक मेजर रमेश वर्मा भी मौजूद रहे। CMO हमीरपुर डॉक्टर अर्चना सोनी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी संजय जिगोता भी मौजूद रहे। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा सभी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। CMO डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा कोरोना मरीजों की सेवा में लगे हुए डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, जिससे कर्मचारियों का हौसला बढ़ा है। उन्होंने बताया कि आजकल हमीरपुर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उससे लोगों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहरी राज्यों से आ रहे लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना बीमारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं और चेहरे पर मास्क लगाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना से अपने आप को बचाने के लिए हर किसी को नियमों का पालन करना होगा। भूतपूर्व सैनिक लीग ने हमारे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करके हमारे लोगों का, बेसिकली जो हमारे कोरोना वॉरियर जो दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की है। और मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे जो कई बार मॉरल डाउन हो जाता है, कई बार समटाइम्स एक डायलमा की स्टेज आ जाती है थोड़ा सा, बिकॉज बहुत ज़्यादा केसेस निकलने जाते तो घबराहट जैसी रहती है थोड़ी सी, तो उससे थोड़ा सा हमारे लोगों में फिर से थोड़ा सा हिम्मत बंधेगी और काम करने की जिज्ञासा बढ़ेगी। इसके साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे ये जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे जिला में जितने बढ़ रहे हैं, खास करके जो हमारे लोग हैं वो बाहर से आए हुए लोग हैं। बेसिकली अभी तक भी मेरा हम इसी कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि बाहर से आए हुए लोग हैं या फिर उनके कांटेक्ट में जो लोग आ रहे हैं प्राइमरी कांटेक्ट, अब तो वो थोड़े पॉजिटिव आने लग पड़े हैं। तो मेरा यहाँ लोगों से ये आह्वान रहेगा कि प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कीजिए, आपस में डिस्टेंस रखिए, बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाइए, कफ एटिकेट्स, खांसी करनी है कैसे करनी है, हैंड वॉशिंग, इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ताकि क्योंकि कोरोना ऐसा नहीं हम बोल सकते कि ये ख़त्म हो जाएगा, बट हम अपने आप को कैसे बचा सकेंगे और हम सोसाइटी को कैसे बचा सकेंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इस संदर्भ में मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगी आज के दिन, इंडिपेंडेंस वाले दिन, कि इट इज़ बेटर कि हम अपने आप को परहेज करें, खुद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ताकि एटलीस्ट हम सोसाइटी को बचा सकें। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिला अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर रमेश वर्मा ने कहा कि कोरोना बीमारी के इलाज में लगे हुए कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके लिए पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने इन्हें सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि पूरे परिवार को छोड़कर देश सेवा में लगे हुए जिसके लिए हर किसी को इनके लिए दुआएं करनी चाहिए। मैं मेजर रमेश वर्मा, मैं सभी लोगों से, समाज से, सोसाइटी से आह्वान करता हूं कि डॉक्टर्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करिए। डॉक्टर्स जो बताते हैं डिस्टेंसिंग, मास्क, जब तक वैक्सीन नहीं आता है उसको फॉलो करना हमारा एक पर्सनल नहीं, एक समाज के लिए भी हमारी जिम्मेवारी है, पर्सनल तो है ही है। तो इन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ, बस में जा रहे हैं लोग, इधर उधर जा रहे हैं, क्राउड में जा रहे हैं, मास्क नहीं लगाते, तो मास्क मस्ट, और ये जो डिस्टेंसिंग है इसका ध्यान में रखते हुए थोड़ा डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, मास्क को लगा के रखें, अपना प्रिकॉशन रखें। जब तक वैक्सीन नहीं आता, आज मोदी जी ने बताया कि वैक्सीन आने वाला है, तो तब तक हमें प्रिकॉशन से ही हम बचाव कर सकते हैं, अपना भी और समाज का भी। थैंक यू। आज आपने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया, क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये जो हमने पीछे इंसिडेंट देखे कोरोना योद्धाओं के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में, बहनों के साथ में, नर्सेज के साथ में, दैट इज़ बैड, इट शुड नॉट हैपन। इनके साथ एक ये अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचा रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको हमें कोऑपरेट करना चाहिए, इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, जैसे ये बोलें वैसे करना चाहिए, ना कि इनको मतलब हम डिमोरलाइज करें जो काम कर रहे हैं, अपने फैमिली को पूरे परिवार को छोड़ के ये हम लोगों के काम में लगे हुए हैं, तो इनको हमें कोऑपरेट करना चाहिए, इन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए, इनके लिए दुआएँ करनी चाहिए, इनकी फैमिली के लिए दुआएँ करनी चाहिए हमें कि ये सही सलामत रहें, ताकि समाज को बचाएं।